नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ नेहा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भोपाल से बड़ी खबर मिल रही है, जहां राज्य प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले हुए हैं। 26 अफसरों का ट्रांसफर ऑर्डर जारी किया गया है। अभय सिंह ओहरिया उप आयुक्त सागर संभाग नियुक्त किए गए हैं, तो वहीं मनीषा पांडे उप आयुक्त रीवा संभाग नियुक्त की गई है। रंजना देवड़ा उप सचिव भोपाल, के आर चौकी कर आवंटन अधिकारी संपदा, श्रृंगार श्रीवास्तव डिप्टी कमिश्नर उज्जैन, शैलेंद्र सिंह संयुक्त कलेक्टर बड़वानी, सुरेश कुमार अग्रवाल संयुक्त कलेक्टर सीधी, सपना त्रिपाठी संयुक्त कलेक्टर सागर, देवेंद्र कुमार सिंह संयुक्त कलेक्टर हरदा, विनोद कुमार सिंह संयुक्त कलेक्टर मुरैना, शिवप्रकाश मिश्रा डिप्टी कलेक्टर सीधी, रमेश पांडे संयुक्त कलेक्टर अशोकनगर, संजय उपाध्याय संयुक्त कलेक्टर राजगढ़, राकेश मेहता संयुक्त कलेक्टर सतना, धर्मेंद्र मिश्रा संयुक्त कलेक्टर सतना, जगदीश प्रसाद गुप्ता डिप्टी कलेक्टर ग्वालियर, संदीप अष्टाना संचालक सीएम हेल्पलाइन, राजीव समाधिया डिप्टी कलेक्टर श्योपुर, उत्तम चंद मेहरा डिप्टी कलेक्टर छतरपुर, मनीष कुमार जैन डिप्टी कलेक्टर रायसेन, लोकेंद्र सिंह सरल डिप्टी कलेक्टर भिंड, संस्कृति शर्मा डिप्टी कलेक्टर बैतूल नियुक्त किए गए हैं, तो वहीं मनोज अग्रवाल डिप्टी कलेक्टर श्योपुर, विजय राय डिप्टी कलेक्टर विदिशा, तो ये तबादले हुए हैं। इसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। साधना न्यूज के एडिटर इन चीफ डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शिशिर जी, एक बार फिर बड़े स्तर पर तबादले किए गए हैं। 26 अधिकारियों का, 26 अफसरों का ट्रांसफर ऑर्डर देर रात जारी कर दिया गया। जो वर्तमान स्थिति है, चूंकि तबादलों का काम शुरू हो गया है और तबादले डिप्टी कलेक्टर्स के लंबे समय से थे, और ये लगभग 2 दर्जन से ज्यादा डिप्टी कलेक्टर्स के जो ट्रांसफर करे हैं, और ये बताते हैं कि इसके बाद एडिशनल एसपी और डीएसपी और फिर एसपी और कलेक्टरों की एक लिस्ट जारी होने वाली है। इसलिए ऐसा लग रहा है कि ये ट्रांसफर आने वाले समय में, चूंकि अभी बरसात आई है उसके पहले ये ट्रांसफर करके, और पूरा मध्य प्रदेश में चूंकि कई जगह विधायकों ने ये आग्रह किया था कि उनके क्षेत्र में कोरोना काल के दौरान डिप्टी कलेक्टर्स ने काम नहीं किया था अच्छे से, और जो जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकते हैं कुछ शिकायतों के आधार पर हुए, कुछ पुरस्कृत हुए हैं, तो उसके कारण ये ट्रांसफर हुए हैं और अभी और तबादले होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में और ट्रांसफर जारी होंगे। जी चलिए, शुक्रिया आशीष जी हमसे जुड़ने के लिए। आप हमारे साथ बने रहिए। तो ये बड़े तबादले हुए हैं, 26 अफसरों के ट्रांसफर ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं, और अभी आने वाले समय में कहा जा रहा है कि और तबादले हो सकते हैं। लंबे समय से तबादले अटके हुए तो हुए नहीं थे, लेकिन अब देर रात इसके आदेश जारी कर दिए हैं, और आने वाले समय में कई और कलेक्टर डिप्टी कलेक्टरों के तबादले किए जा सकते हैं। प्रशासनिक फेरबदल आने वाले समय में और हो सकते हैं। देर रात इनके आदेश जारी कर दिए गए हैं।